चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की जा रही है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया है। देर रात मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए हैं और दो घायल हुए। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो लगातार घाटी से आतंकी हमलों की घटना सामने आ रही है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा है, तो वहीं ये बताया जा रहा है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। तो कई जगहों पर घाटी में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश आतंकियों की ओर से की जा रही है, और इसी को लेकर के सेना जहां सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं मुठभेड़ की खबरें भी लगातार मिल रही है। बिल्कुल, देखिए देर रात मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए हैं और दो घायल हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आतंकवादियों को घेरने की जो कोशिश है वो लगातार सुरक्षा कर्मियों की ओर से की जा रही है। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में लोगों के मन में दहशत फैलाने के लिए आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो फिलहाल भारतीय जवान भी मुस्तैदी के साथ हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए जम्मू और कश्मीर में आतंक पर प्रहार हो रहा है। 5 सालों में 700 आतंकियों का खात्मा अब तक किया गया है, और वहीं 2020 और 2021 की अगर हम बात करें तो अब तक ये बताया जाता है कि कुल 221 आतंकियों को ढेर 2020 के दौरान किया गया था। बिल्कुल, देखिए और अगर हम बात करें तो कितने आतंकी मारे गए उसकी भी हम आपको जानकारी दी थी। 2022 में 193 आतंकी मारे गए हैं और 2023 में 87 आतंकी मारे गए। तो वहीं 2024 का अगर जिक्र करते हैं तो अब तक ये आंकड़े 42 आतंकियों के मारे जाने के सामने आए थे, और ये 5 सितंबर तक के आंकड़े हम आपको बता रहे थे, जो कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से आतंकवादियों का सफाया घाटी से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी दहशतगर्द लगातार वहाँ पर लोगों में दहशत का माहौल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं जमीनी स्तर पर, वो कई अभियान अब तक वो छेड़ चुके हैं ताकि आतंकियों का सफाया कर सके। साथ ही लोगों से भी अपील की जाती है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति से जुड़ी आपको जानकारी मिलती है तो वो भी या तो जेके पुलिस को दी जाए या फिर इंडियन आर्मी को जरूर दी जाए, ताकि समय रहते ही उचित कदम उठाए जा सके। बिल्कुल, तो देखिए देर रात मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए हैं, दो घायल हुए हैं। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया है। देर रात मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए हैं और दो घायल हुए हैं। तो आतंकवादी घटनाएं लगातार घाटी में देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कि 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में, पहला 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और फिर 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, और इसके बाद से 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो उससे पहले जिस तरीके से इस वक्त घाटी को दहलाने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है, आपको याद होगा कि कैसे पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं कि जो स्थानीय पार्टियां हैं उनकी भी मिलीभगत होती है ताकि चुनाव का रुख मोड़ा जा सके। हालांकि अब वाकई इसमें किसी तरीके की कोई कनेक्शन पॉलिटिकल सामने आते हैं या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल घाटी में लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, फिलहाल इस वक्त वहां पर स्थिति को लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, हम आपको बताते चले कि लगातार सुरक्षा बल पूरे फॉरेस्ट एरियाज को घेरे हुए हैं, हाई अलर्ट पर है, और ऐसे में एनकाउंटर हुआ था। ये किश्तवाड़ का छात्रों का इलाका है और यहाँ पे अभी भी आज दूसरे दिन जो है वो एनकाउंटर जारी है, और इस सबके बीच यदि हम आपको हमारे जवानों ने शहादत पाई है, और ऐसे में दो जवान जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया गया है। यहाँ पे लगातार एनकाउंटर साइट पर एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, और 3 से 4 आतंकवादियों का एक गुट बताया जाता है, पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जाते हैं जो हाल ही में जिन्होंने डोडा में कई इंसिडेंट्स किए थे। दूसरी तरफ एक और एनकाउंटर बारामूला में भी चल रहा है, वहां पर भी 3 आतंकियों को घेरा गया है।
बिल्कुल देखिए, आतंकियों को घेरा तो गया लेकिन जिस तरह से दो जवान घायल हुए हैं और दो जवान शहीद भी हो गए हैं, उसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है दीपांकर कि चुनाव को ज्यादा समय बचा नहीं है और उससे पहले इस तरह के आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगा पाना थोड़ा मुश्किल सा नजर आता है। दो तरीके से आप इसे देख सकते हैं। एक तो ये कि जो हमारे सुरक्षा बल है वो जिस तरह मैंने पहले कहा तो हाई अलर्ट पर है, वो खुद टॉप जो पहाड़ियां हैं वहां उन्हें खंगाल रहे हैं लगातार, और यही वजह है कि इन आतंकियों को इनके घर में घुस, घर कहिएगा जहां पे भी ये ऊपर ढोक में जहां पर ये छुपे हुए हैं वहां इन्हें ढूंढ निकाला गया है। आप जानते हैं उधमपुर में भी इसी तरह से जो है इंसिडेंट हो, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम आतंकियों को मार देते हैं, कई बार हमारे जवान जो है उनकी भी शहादत होती है। निश्चित तौर पर प्राइम मिनिस्टर की रैली आज किश्तवाड़ के साथ लगते डोडा जिला में है और ऐसे में पहले से ही पूरा जो चिनाब वैली का इलाका है जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ का उसे खंगाला जा रहा था। ये जरूरी भी था इससे पहले कि आतंकी आकर कोई हमला करें, हमारे सुरक्षा बलों ने इनपुट जो है वो जनरेट की और वहां पर ये पहुंचे हैं। इसी तरह से लगातार आप देख रहे हैं चाहे वो LOC का इलाका हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, कुपवाड़ा में 3 मिलिटेंट मारे गए थे, राजौरी में 2 मिलिटेंट मारे गए थे, उसके बाद उधमपुर और अब किश्तवाड़ में भी ये एनकाउंटर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी आतंकी जो है वो आज मारे जाएंगे। सवाल ये भी है कि एक और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन दिनों दौरा है जम्मू कश्मीर का, और इसी को लेकर के हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या वाकई चुनाव का रुख पलटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वहाँ की कुछ स्थानीय पार्टियां भी हैं जो कि ऐसे घटनाक्रमों में शामिल रहती हैं और कुछ ऐसे आतंकवादियों के साथ भी उनके कनेक्शंस बताए जाते हैं जहाँ या तो घुसपैठ में मदद कर देते हैं या तो किसी ना किसी तरीके से इनपुट साझा कर देते हैं। देखिए काली भेड़े जो हैं वो हर सिस्टम में होती हैं और जो आप रेफर कर रहे हैं निश्चित तौर पर पिछले 30-35 साल के आतंकवाद में काफी ऐसी काली भेड़े थी। बहुत सारे लोगों को जो सेपरेटिस्ट एजेंडा चलाया करते थे और अलगाववादियों आतंकवादियों को सपोर्ट किया करते थे उन्हें जेल भी जाना पड़ा। UAPA का कानून इम्प्लीमेंट हुआ है और इस सबके बाद आज वो वक्त आया है जब 10 साल के बाद आज से ठीक 4 दिन के बाद 18 नवंबर को पहली पोलिंग होनी है और लोगों में काफी ज्यादा जोश है। हम आपको बताते चले हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 से 12 कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं, 900 के करीब कैंडिडेट्स, 900 कैंडिडेट्स 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खड़े हैं। यहाँ तक कि त्राल जैसा इलाका साउथ कश्मीर का जहाँ पर पोलिंग होनी है 18 तारीख को, हम निश्चित तौर पर त्राल से रिपोर्ट करके आपको अपडेट करेंगे, वहां पर भी बहुत ज्यादा जोश है। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो जमहूरियत जीत रही है और यही जो पाकिस्तान में बैठे हुए आका है उन्हें पच नहीं रहा है।